ठीक है, आज मैं ये चैप्टर स्टार्ट करना है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सारे से पहले एक तो पॉइंट छूटा हुआ है, रह गया जो अभी करना है, बट उसको बाद में हम करेंगे तो डिस्कस कर ले या आज ही कर ले। आर यू हियरिंग मी विवन? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सभी लोग? यस सर। यहाँ पे पॉइंट आपके कल मुझे टाइमिंग का थोड़ा शेड्यूल मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो उसकी वजह से कुछ पॉइंट डिस्कस करने के रह गए थे। इसमें पेज नंबर फ्रॉम पेज नंबर 111 ऑफ चैप्टर 5, इससे पॉइंट नंबर आपका 5-6 यानी क्वेश्चन नंबर 5-6 रिमेंस रह गए थे। ओके, इसको डिस्कस कर लेते हैं। We have to start chapter number 6, triangle and its properties. Firstly, hami question number 5 and 6 of chapter 5 means exercise 5.2. Ki question number 5 and 6 discuss karne ja rahe hain. Okay? We are going to discuss question number 5 and 6 of exercise 5.2. Exercise 5.2. Firstly, we have to discuss this exercise. Question number 5. 5 or 4 we discuss karna hai na? Yes, sir. Okay. In this question, the statement is given. क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्टली सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 ही डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है, जिसको मुझे टाइप कर रहा है क्या था करने को। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ l इज पैरेलल टू m। हियर इज गिवन द फिगर l इज पैरेलल टू m, द टू लाइंस इन मेंट l एंड m आर पैरेलल। अनदर लाइन t व्हिच इज ट्रांसवर्सल लाइन, अनदर लाइन t व्हिच इज ट्रांसवर्सल लाइन कट इट इनटू टू पॉइंट्स, यानी इन दोनों लाइन को वो दो अलग अलग बिंदुओं पे सेपरेटली अलग अलग बिंदुओं पे कट करती है, ठीक है? यस सर। 110 एंड x, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करना है हमें? प्लीज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जनरल सी बात है, इससे पहले भी आप कर चुके हैं। वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है, इसके लिए हम यहाँ पे एंगल, ये एंगल इसे क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल है ना, इस इंटीरियर एंगल को फाइंड कर लेते हैं। इंटीरियर एंगल को फाइंड करने के लिए हम जानते हैं दे आर द पेयर ऑफ लीनियर एंगल, दे आर द पेयर ऑफ लीनियर एंगल। दिस एंगल एंड दिस एंगल नेमिंग करना चाहते तो नेमिंग कर ले, ऐसे ही जल्दी आपको दिख रहा होगा they are the pair of linear angles, ठीक है? We know that the sum of pair of linear angles is 180 or supplementary. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Okay. So, firstly, we have to find this interior angle. This interior angle को find करने के लिए हम कुछ भी कोई अपनी तरफ से variable put कर देते हैं y, ठीक है? अपनी तरफ से एक variable हमने put कर दिया y. Then again, yes, we have to solve for y. Then y के लिए solve करना, तो देखो बस y plus 110, y plus 110 equal to 180. So the linear pair angles are supplementary to each other. ठीक है? तो linear pair angles होते हैं वो एक दूसरे के supplementary होते हैं, दोनों मिलाकर 180 होते हैं। यहाँ से y plus 110 equal to 180 करते हैं, then we have to find the value of y. It is variable. यहाँ से 110, that is constant value. That is constant value. इसको transfer कर देते हैं, okay? Yes sir. Yes sir. For the value of y. यानी y के लिए हमें इसको transfer करना होगा. 180 minus 110 is equal to 70 degree. That is the value of y. But we know that y is equal to x. Alternate
interior angle. That is the better way. Interior angle. So, white portrait. Alternate interior angle. Both are alternate interior angle, so they are equal. So they are equal. Y is equal to 10. And already we have find y is equal to 70 degree. हमने पहले ही find कर लिया है कि y की value क्या है 70 degree. So 70 already 70 degree. Also 70 degree. That is the answer of x. That is the value of x. Okay. Now remember. That's here. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, point number. So now we have to solve point number second of this question. You want to copy this? Then you have 2 minutes or 1 minute to copy this. अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कर लीजिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं. अदरवाइज आप टू स्टार्ट पॉइंट नंबर सेकेंड. स्टार्ट करें क्या? कॉपी करना है इसको. यस सर. गौरव. यस सर. उत्कर्ष. अदर. अखिलेश. यस. अखिलेश. बाकी साथी मुस्कान. सचिन. आज एक कोई नहीं ज्वाइन कर रहा है. तो ठीक है, ये आपको क्वेश्चन जो मैंने बताया ये आपको समझ आ रहा है सारे लोगों को? यस सर. यस सर. यस सर. जरूरत है क्या कॉपी करने की? जरूरत है क्या इसको? नो सर. नो सर. नो सर. नो सर. ठीक है, वैसे ऑलरेडी वीडियो आपके पास ही होगा. अगर कोई डाउट होगा तो फिर अगेन इसको आप वॉच कर सकते हैं ना. यस सर. यस सर. यस सर. हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं. पॉइंट नंबर सेकंड ऑफ दिस क्वेश्चन. सेम एज यू हैव टू सॉल्व पॉइंट नंबर सेकंड ऑफ दिस. फिगर इज गिवन हियर. एल इज कलर टू एम. L is parallel to M. This line is L and this line is M. Another line passes through the both lines A and B. A and B. This value is 100 degree and this value is X degree. What is the value of x here? What is the value of x here? Everyone? Sir, 100 degree. 100 degree. 100 degree. 100 degree. एक और वैल्यू गिवन है इसके साथ. ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं. There is given L is parallel to M. What क्या है? L is parallel to M. So 100 degree and x degree are the corresponding angles of each other. Are the corresponding angles of each other to each other? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, they are the corresponding angles. But we know that when a transversal line cut to parallel lines, their corresponding angles are equal. When a transversal line cut two parallel lines, their corresponding angles are equal. Okay, it means yes sir. Equal to yes sir. 100 degree. It means x is equal to 100 degree. Have you got it? Yes sir. Yes sir. Now next point. Any doubt? Anybody? इसे कोई दिक्कत नहीं है? No sir. No sir. No sir. Okay.
5 means question number 5. For this, question number 5. In the given figure, the arms of two angles are parallel. In the given figure, the arms of two angles are parallel. A, B, C, D, B, E, F. Angle is given here, 70 degree. You have to find angle BDC and DEF. You have to find angle DEC and DEF. Okay, I'm thinking, you know, this statement here, in the given figure, the arms of two angles are parallel. It means arms of angles are parallel. What are they? There are two arms in an angle. एक एंगल के लिए कम से कितने आर्म्स होते हैं? कम से कम क्या दो ही है आर्म्स होते हैं ना? तो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे जो एंगल ए बी सी ये एंगल फॉर्म हो रहा है तो विद द टू आर्म्स दिस एंगल इज फॉर्म विद द टू आर्म्स यानी ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो टू आर्म्स से बाय व्हिच आर्म्स यू हैव टू से एवरीवन बाय व्हिच आर्म्स एंगल ए बी सी फॉर्म Angle A, B, C formed by which arm? Garo. A, B and B. Correct hai beta. Sahi hai. Pada confidence lao. Correct bol raha. It can be C. Here, form that has form A, B, C. यहाँ पे जो अगर आर्म्स की बात करते हैं तो ए बी एंड बी सी देर आर द टू आर्म्स दैट फॉर्म एंगल ए बी सी ये जो टू आर्म्स हैं ये भी एंगल ए बी सी को फॉर्म कर रहा है इस तरह से जो इनके आर्म्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है पैरेलल होने का मतलब ये आर्म्स किसके पैरेलल हो ये वाला बेस लाइन के पैरेलल ओके यस सर यस सर This parallel to this, this parallel to this. Yes, sir. Yes, sir. Angle D, G, C. यहाँ पे आते हैं. Already we know that AB parallel to DG or DE. AB parallel to DE. Okay? Yes, sir. Then angle D, G, yes, sir. Equal to what? Angle DGC is equal to what? You have to say everyone. 70 degrees. Because the corresponding angles of 70 degrees. That is the angle DGC is the corresponding angle of 70 degrees. So angle DGC is equal to 70 degrees. Corresponding angle. You have to write the structure. Corresponding angle. Okay? Yes, sir. Next point. Yes, sir. Next point, D, E, F. There is D, E, F. That is 70 degree. आपने यहाँ पे देखा ये एंगल जो हो रहा है 70 degree का. Same as it is also 70 degree. Because D, E, F is the corresponding angle of D, G, C. So DEF is equal to also 70 degrees. This is the corresponding of DGC. So एक दूसरे के corresponding है, तो इनकी values भी same ही होंगे. Okay? Yes, sir. My turn. Sorry. अभी एक question और left है आपका. मैं समझ रहा था complete हो गया, but अभी एक और question है. In the given figure below, question number 6. Now, come to the point. Take this question number 6.
In the given figure below, decide whether Alice parallel to M or not. You have to decide Alice parallel to M or not. L M. And at front of the line, cut it 2 and 2 points separately. 126 and 44. Okay. In the given figure below, decide whether L is parallel to M. In this question, you have to decide L is parallel to M or not. इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको? बेटा आपसे कुछ काम गौरव सब क्या करना है इस क्वेश्चन में खुशी प्रखर सभी सुन रहे हो ना मेरी बात? Yes sir. Yes sir. Yes sir. क्वेश्चन में आपको डिसाइड करना है L is parallel to M or not. You have to decide it. ठीक है तो इसके लिए हम चेक करेंगे क्या ये जो पैरेलल लाइंस के रूल्स होते हैं प्रॉपर्टीज होते हैं उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अगर कर रहे हैं तो दे आर द पैरेलल और नॉट ओके यस सर सो रहे हैं क्या सो रहे हैं क्या बाकी सब हाँ बोलते नहीं है क्यों मुस्कान बोलती है मुस्कान बोलती है और हम गौरव भी बोल देते हैं बीच बीच में लेकिन बीच में नहीं बोलना पॉइंट पे बोलना बीच में नहीं बोलना चलिए ठीक है आते हैं इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड द करेंट वैल्यू टू एम और नॉट यू हैव टू चेक इट चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए यहाँ पे जो The interior angle of same side to the transversal here is 126 and 44. The interior angle of same side to the transversal, means line. इस transversal line के same side के interior angle का summation check करते हैं कितना आता है 126 here is 44. करके check कर लेते हैं 126 plus 44 is equal to what? 170 degrees. But we know that the interior angle of same side to the transversal are supplementary to each other. यानी एक दूसरे के supplementary होते हैं. Means दोनों मिलाकर 180 होना चाहिए था. कितना होना चाहिए था? 180 degrees. Yes. But here is the value. 170. So, L is not parallel to M. So, L is not parallel to M. It is not follow the properties of parallel lines. Thus, L is not parallel to M. Not के लिए ऐसे ही parallel का symbol होगा उसको cut कर देते हैं ऐसे. ठीक है? Yes sir. Not parallel to M. Yes sir. ठीक है सेकंड पॉइंट पे जाते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट के लिए जो फिगर गिवन है उसको ड्रा करते हैं अनहोल्ड Another line here is gone. M.
transversal lines and intersect with two straight lines. यहाँ पे ये 75 एंगल की बना इस इंटीरियर एंगल की बात करने आते हैं तो क्या होता है लेट्स से सेम एज इससे पहले मैंने इससे पहले भी सॉल्व किया था लेट्स से इट इज वाई डिग्री मान लेते हैं कि ये कितना है वाई डिग्री है ठीक है एक्स वाई से भी मान सकते हो दिख रहा ना आप लोगों को ओके 75 प्लस वाई स्क्वायर व्हाट मैं कहता हूँ नहीं सुनने आता तो नो सर भी बोल दिया करो है ना तो जरूरी है ऐसी सर बोला जाए अगर ना सुनने आए तो एस्टर भी बोल सकते हैं ना सॉरी नो सर भी बोल सकते हैं उत्कर कहाँ है समझ रहे हैं मेरी बात उत्कर यस सर सुन पा रहे हो मुझे यस सर नहीं सुनोगे तो लेंगे यहाँ पे 123, 57, 98, 72 ओपन पेज नंबर नंबर 113 means chapter number 6 triangle and its properties triangle and its properties
exactly we have to know what is triangle and what shape is called triangle. किस शेप को ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल कैसा होता है, इसके बारे में हमें जानना होगा. और कुछ जानने के बारे में, जानने से पहले हमें ट्रायंगल के बारे में जानना होगा. तो इससे पहले आप लोगों को बता जा चुका है, गौरव अभिषेक हमारे सारे लोग ट्रायंगल के बारे में जानते हैं ना. यस सर. ट्रायंगल के लिए जो डेफिनेशन होते हैं क्या होते हैं? अगर ट्रायंगल के लिए कोई डेफिनेशन आपसे आस्क किया है तो आप क्या बोलोगे इसके लिए? ट्रायंगल क्या बोलोगे? अ क्लोज्ड फिगर. क्या बोलेंगे आप? अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल. अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय line segment are triangle. The symbol is a closed figure bounded by closed figure bounded by three line segment is called triangle. In other words, you can say a polygon. Okay. The second way expression is a polygon. Polygon means कोई भी closed figure जो line segment से bounded होती है उसे polygon बोलते हैं. और ये जो सबसे smallest polygon होता है, three sided polygon होता है जिसे triangle बोला जाता है. Three sided polygon is called triangle. Triangle. Already you know that. In other words, you can say three-sided polygon. Three-sided polygon. It's called triangle. आसन में आ रही है? Yes sir. Yes. अगर ये इसकी properties या इसके और भी features क्या होते हैं इसके बारे में जानने के लिए हमें और आगे आना होगा, ठीक है? आगे आप लोग नहीं आएंगे, समझ रहे हैं ना मेरी बात? Yes. कितने लोग समझ गए? अखले अखले समझ रहे हैं क्या ज़्यादा? कौन समझ गया जी? हाँ सारे लोग समझ रहे हैं. आप लोगों को आगे नहीं आना, मतलब वही रहना है, हमें इस टॉपिक में आगे आना है. ओके. ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज. नहीं जाना इससे पहले द थ्री साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड ट्रायंगल. थ्री साइडेड अ क्लोज फिगर व्हिच इज बाउंडेड बाय थ्री साइडेड सॉरी थ्री लाइन सेगमेंट. वही बात है, अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल और थ्री साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड ट्रायंगल. अब बात करते हैं इसके और भी कुछ फीचर. इट हैज अ ट्रायंगल हैज थ्री साइड. इसकी कितने साइड्स होते हैं जी? यहाँ पे ट्रायंगल का दिया एबीसी, इसकी साइड कुछ आर एबी बीसी एंड सी ए. एबी ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने का वे होता है. एबी बीसी एंड सी ए. इसके अलावा सी वर्टेक्स होते हैं. वर्टेक्स और वर्टेक्स का प्लूरल हो जाता है वर्टिसेस. तो यहाँ पे वर्टिसेस की बात करते हैं. देयर आर थ्री वर्टिसेस हियर, दैट इज ए बी एंड सी. नॉट डी, कौन डी कह रहा है?
ठीक है, ए बी एंड सी, ओके, देयर हैव थ्री वर्टिसेस इन अ ट्रायंगल, देयर हैव थ्री वर्टिसेस इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में थ्री वर्टिसेस होते हैं, थ्री साइड होते हैं, बाकी पता नहीं, अच्छा बताता हूँ, एंगल क्या है, एंगल इट हैज आल्सो थ्री एंगल, आप जानते हैं एंगल्स के बारे में बताना नहीं है, एंगल जानते हो ना आप, यस सर, सर एंगल्स के बारे में पहले से बता देता है, इसलिए मैं ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, एंगल ए या कोई इन अदर लैंग्वेज की टर्म से एंगल, सॉरी ए बी सी एंड बी सी ए एंड द थर्ड एंगल इज सी ए बी, सिंपल आइडेंटिफिकेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल का साधारण सी पहचान थी, जिसमें हम जानते हैं इसके थ्री साइड्स होते हैं, थ्री वर्टिसेस होते हैं, एंगल थ्री ही होते हैं, वर्क ये चीज ही करता है। अब आगे की बात है, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, मीडियन of the triangle. Median of the triangle. Any line segment should join the midpoint of any side to the opposite vertex of that side. Means any line segment that joins the midpoint of any line, sorry, of any side which is opposite, sorry, which is drawn from the opposite vertex of that side. Meri baat nahi samjhi shayad abhi, kehne ka matlab ye hai mere, median kya hota hai, median hota hai ki kisi side ke अपोजिट वर्टेक्स, इस साइड की अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा, दैट इज ए, ये क्या है ए, ये क्या हो गया आपका डी, ये क्या है सी, और ये आपका पॉइंट सी है, अगर इसके मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन क्या है, ए बी इज अ मीडियन, बट हाउ कैसे इसके लिए बताते हैं कैसे, because D is the midpoint of BC which joins AD. So, यहाँ पे देखिए जो पॉइंट गिवन है मीडियन के बारे में बताने जा रहे थे, जिसमें हम कह रहे हैं ये जो BC लाइन है इस BC लाइन या BC साइड के लिए जो अपोजिट वर्टेक्स है A, इस अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ की गई है साइड के लिए AD, which joins the midpoint of this side, which joins the midpoint of this side BC, sorry BC के midpoint D को join करता है जो AD है, लाइन क्या है इसमें AD, इस लाइन सेगमेंट को ही मीडियन बोला गया है, इस लाइन सेगमेंट को क्या बोला गया है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, yes or no, yes sir, yes sir, इसमें एडी क्यों में, बिकॉज एडी इज अ मीडियन, इज अ मीडियन बिकॉज बिकॉज एडी इज अ मीडियन बिकॉज इट ट्राइंग ट्राइंग टू द मिड पॉइंट the midpoint of
point of TC. From its opposite toward that. It is a medium because it joins to the midpoint of the C from its opposite vertex. ये D जो है इस BC का midpoint है और कोई भी line जो किसी midpoint को किसी opposite vertex से जोड़ने का काम करती है उस line segment को medium बोलते हैं. ठीक है? Yes sir. बात समझ में आ रही है? Yes sir. Yes sir. अल्टीट्यूड एक और इसमें एक पॉइंट होता है अल्टीट्यूड यही बता दे रहा हूँ आपको डायरेक्ट देखेगा ना यहाँ पे स्क्रीन पे आपके ये आ रहा है स्क्रीन पे यस सर एक ट्रायंगल की बनाए इसके लिए अल्टीट्यूड को डिफाइन करना व्हाट इज अल्टीट्यूड हियर अल्टीट्यूड की मीनिंग होता है एनी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ एनी साइड टू दैट यानी कि कहने का मतलब किसी भी वर्टेक्स के से उसके अपोजिट साइड से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उस परपेंडिकुलर को अल्टीट्यूड बोला जाता है मान लेते हैं सी एस यहाँ पे आपका सी एस ये दो पॉइंट से मान लेते हैं एस दिख रहा है आप लोगों को यस सर यस सर नो सर नहीं दिख रहा है नहीं दिखेगा